अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, हिंदी में गणितीय विवेचन। और बेसिकली इसकी जो शुरुआत में आप लोगों को समझना है वो ये समझना है कि अभी तक आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स में या किसी भी भाषा में जो सेंटेंसेस पढ़े हैं, है ना, सेंटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, हर वो चीज़ जो आपको कुछ समझाए वो एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम जयपाल है, तुम्हारा नाम अनुज है और इनका नाम पूर्णिमा है, ये कथन है। ओके, कथन नहीं, सॉरी, एक वाक्य है। इस वाक्य से कुछ जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है ना। आज बुधवार है, है ना, 2+3=5 होता है, संसार में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, इस ब्रह्मांड में यह सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सब वाक्य हैं अपने आप में जिनसे आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। यानी कि जो भी आप पढ़ते हो वो वाक्यों में पढ़ते हो, है ना, वाक्य वाक्य वाक्य, कई सारे वाक्य मिलके पूरी की पूरी किताब बन जाती है, ठीक है, पैराग्राफ बनता है और फिर उससे लेसन बन जाता है और कई सारे लेसन मिलके चैप्टर बना देते हैं। लेकिन इन सभी वाक्यों में कुछ वाक्य ऐसे होते होंगे जिनको पढ़ के आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है, नहीं ये तो गलत लिखा है, नहीं ये सही है, राइट। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद में आप उसे सही या गलत कह सकें ज्ञात तथ्यों या वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर, तो ऐसे सभी वाक्यों को गणित की भाषा में स्टेटमेंट, क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या हिंदी में कहते हैं कथन, ठीक। तो इट मीन्स दैट कि वाक्यों में से ही हमको स्टेटमेंट्स को छांटना है, है ना। और स्टेटमेंट्स की खासियत क्या होगी कि हम उन्हें सही या गलत कह पाएंगे, जो भी हमारे पास में साइंटिफिक नॉलेज है, जो भी हमारे पास में फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास में आंकड़े हैं उनके अनुसार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर लिखा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा एक प्रमुख नदी है, ठीक। ज्ञात तथ्यों के आधार पर ये चीज सही है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा एक मुख्य नदी है जो कि उसके बड़े क्षेत्रफल में बहती है, है ना, बड़े क्षेत्रफल के लोगों को फायदा पहुंचाती है, कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, पानी की व्यवस्था होती है वहां से, एक बड़ी नदी है। तो उन तथ्यों के आधार पर ये जो वाक्य है ये सही वाक्य है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मतलब जिस वाक्य को हम सही या गलत कह सके वो एक स्टेटमेंट है। लेकिन ध्यान देना, सही या गलत किसी कहानी को पढ़ के नहीं, ज्ञात तथ्यों जो कि फैक्ट्स होने चाहिए, है ना, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, ओके, नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के आधार पर आप उसको सही या गलत ठहरा सकें, ठीक है। अब हमने यहां पर लिख दिया कि यूपी के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, हालांकि कोई भी यूपी वाला इसको पढ़ के बोलेगा कि ये सही है, ठीक है ना, लेकिन बाकी के स्टेट्स के लोग पढ़ के क्या बोलेंगे, हम क्या मूर्ख हैं, केवल यूपी के ही बुद्धिमान होते हैं। इट मीन्स दैट कि कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, कुछ लोग कहेंगे ये गलत है, मतलब कि इसकी कोई वैज्ञानिक या तथ्य के आधार पर प्रमाणिकता नहीं है। तो ये जो वाक्य है, ये वाला वाक्य स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा मैथ्स की लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है, राइट। नाउ अब एक और वाक्य देखो, एक माह में अधिकतम 40 दिन हो सकते हैं, इस वाक्य को पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, गलत है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बाद में होगा, ये पहले ये सही या गलत ज्ञात तथ्यों के आधार पर आप निश्चय करेंगे। अगर ये निश्चय में सही या गलत साबित होता है तो ये कथन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि कथन सही या गलत ही होते हैं बस केवल। तो एक माह में अधिकतम 40 दिन होते हैं,
कंप्लीटली गलत है, 31 दिन से ज्यादा होते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है तो स्टेटमेंट लेकिन गलत स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है लेकिन सही स्टेटमेंट है। अब इसको देखो जरा, एक और कथन, 3+2=8, ये गणितीय स्टेटमेंट है ना। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्योंकि गणित में तो या तो सही होता है या गलत होता है, तीसरी चीज होती ही नहीं है। तो मतलब गणित में तो अगर कुछ भी गणितीय चीज लिखी हुई है तो वो तो स्टेटमेंट है ही। अब आपको केवल ये डिसाइड करना है कि वो सही है कि गलत है। तो क्या लगता है इसे देख के? गलत है। कोई तो सही बोलो, इसको कोई सही नहीं बोलेगा। ओके दिख रहा है 3+2=, कितना होता है? 5। 8 हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? तो कौन सा वाक्य स्टेटमेंट है, कौन सा वाक्य स्टेटमेंट नहीं है, ये आसानी से आप पता कर पाएंगे। ओके हमारे सन 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, यानी भारत देश के प्रधानमंत्री बने, क्या ये सही है वाक्य के गलत है? पहले तो ये बताओ कि ये सही वाक्य है कि गलत वाक्य है। सही है, 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, तो ये एक सही वाक्य है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट बन गया, ठीक है ना। भारत 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, ये सही है, इसलिए स्टेटमेंट है, ठीक है। 2×8=16, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल वाक्य है इसलिए स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज वाला वाक्य नहीं है, इस मैथमेटिकल वाक्य है इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई हमेशा। नाउ अब आपको केवल ये डिसाइड करना है कि सही है कि गलत है, क्या है ये? ओके आज बहुत सुहावना मौसम है, बिल्कुल सही है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। जिसको आज अच्छे मार्क्स मिले, जिसकी मैडम टीचर ने तारीफ करी, उसके लिए अच्छा दिन है, जिसको थपाड़े पड़े उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी सही या गलत की वैधता नहीं बताई जा सकती है, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ये वाक्य तो है लेकिन ये एक स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? श्योर? ओके तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स देखो, अब जैसे कि आपने अभी पूछा कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ठीक? बहुत आसान है, देखो जरा ध्यान से। ये एक वास्तविक संख्या है, मान लो x है ना, तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते x प्लस आयोटा जीरो? अब ये क्या बन गई? सम्मिश्र संख्या बन गई। वास्तविक तो थी, अब सम्मिश्र भी बन गई, मतलब हर वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है, लेकिन हर सम्मिश्र संख्या वास्तविक नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? ठीक है ना कि नहीं आई बात? आप कोई भी संख्या लिख दो वास्तविक, 2.3, 2.5, 8.6, 2, 4, 10, 50 लाख करोड़, उसके साथ में प्लस में जीरो आई लिख दो, बन गई वो सम्मिश्र। तो मतलब हर वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या है, लेकिन हर सम्मिश्र संख्या वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके साथ अगर आयोटा वाला टर्म आ गया तो वो सम्मिश्र बन जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब ये बताओ, प्रत्येक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, होता है, क्योंकि आपने मैथ्स में ये पढ़ा है, थ्योरम्स में भी पढ़ा है, और आपने कई प्रश्न भी करे इस तरह के। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 400 डिग्री होता है, कितना होता है, कितना होता है? अगर ये गलत है तो सही क्या है, कितना होता है? चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 उसका भी नहीं, उसी का ही 360 होता है, और किसी का होता है? चतुर्भुज के चारों या क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये एक सही कथन है, कथन भी है और सही भी है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, क्यों? क्योंकि कर्ण जो है वो बराबर होती है। कुछ त्रिभुजों की चारों तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, सबकी नहीं हो सकती हैं, तो ये गलत कथन है, कथन भी है और गलत भी है, ठीक है ना। ओके, और बताओ, चतुर्भुज, प्रत्येक चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, क्या ये सही कथन है? प्रत्येक चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां अलग 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 होती हैं, क्यों? किसकी? घन की। ओके, क्यूब हो गया, घन, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो चतुर्भुज कहाँ हो गया? घन तो एक अलग ही चीज होती है, उसमें छह फलके होती हैं। चतुर्भुज कौन? जैसे वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस की भी, या सम चतुर्भुज जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी भी चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि केवल आयत और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन अन्य चतुर्भुजों के अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये किसी भी वाक्य को पढ़ के आप पता लगा पाओगे। वो स्टेटमेंट गलत है कि सही है, ये भी आप आसानी से पता कर पाओगे, ठीक। तो आपको फिलहाल जो आपका बुक है उसमें ये पहले एक्सरसाइज में बस इतना ही है ना। आई थिंक आपने सब पढ़ भी लिया होगा, और आपको कुछ कठिनाई लगी? बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है वो देखो।